नमस्कार दोस्तों, हनुमान को क्यों कहा जाता है शिव का अंश? हनुमान जी की पूजा सिंदूर से क्यों की जाती है? इसके अलावा वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में बताया जाएगा। हनुमान हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है, जिसे साहस और शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। भगवान रामचंद्र हनुमान के रूप में क्यों अवतरित हुए और उसे इतना मजबूत क्यों बनाता है? विनाश का मुख्य कारण रावण हनुमान को माना जाता है। इस संसार में जब रावण सभी प्राणियों पर अत्याचार करता है, वह अपच से पीड़ित थे, तब भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा ने हनुमान को त्रिमूर्ति के हिस्से के रूप में बनाया। ये हनुमान सर्वशक्तिमान थे। भगवान हनुमान है रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक, और उन्हें भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान श्री रामचंद्र के समर्पित सेवक थे। हनुमान के पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना है। अंजना देवी भी भगवान शिव की परम भक्त थी। हनुमान के पालक पिता पवन देव हैं। पुराणों के अनुसार एक बार लंका का राजा रावण कैलाश, उन्होंने द्वार पर पहरा दे रहे नंदी पर व्यंग्य किया। इससे क्रोधित होकर नंदी ने दशानन रावण को श्राप दे दिया, नारा और वानर के हाथों रावण और उसके परिवार का नाश होगा। इस संसार को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए और श्री रामचंद्र की सेवा तथा राम नाम के प्रचार हेतु रुद्र अवतार हनुमान प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की पूजा सिंदूर से की जाए, वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा सिंदूर से की जाती है। गृहस्थ का कल्याण होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे, राम भक्त हनुमान को सिंदूर दान करना, इसके पीछे एक मिथक है। यह सुनकर हनुमान ने अपने प्रभु राम की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया हुआ था। शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम भक्ति के बारे में जानने के बाद श्री रामचंद्र ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि सभी लोग उनकी सिंदूर लगाकर पूजा करेंगे, और तभी से हनुमान जी की पूजा सिंदूर चढ़ाकर की जाती है। हनुमान चालीसा श्री राम के चरण कमलों का स्मरण, द्विघात परिणाम जिसका लवि अनुसरण करता है। पवन कुमार ना समझ व्यक्ति है, मन की सभी परेशानियों और परेशानियों से छुटकारा पाए। हनुमान चालीसा क्या है? एक, जय हनुमान ज्ञान के सागर है, जय हे कपीश प्रभु दया के सागर। दो, भगवान राम के दूत अतुलित बलधाम, अंजना के बेटे का नाम पवन सुत है। तीन, महावीर बजरंगी तुम हनुमान हो, कुमति नासिया करो सुमति पाए। चार, कंचन बरन पर तुम हे सुबेश, कौनेटे कुंडल शोवे कुंचित केश। पाँच, हाथ में वज्र तव और ध्वज मौजूद है, वह सुंदर गदा जिसे तुम कंधे पर धारण करते हो। छह, पवन नंदन की भुजाएं अद्भुत हैं, महातेज और प्रताप जगत बंदन। सात, आप बुद्धिमान और चतुर हैं, आप रामचंद्र के कार्य के लिए उत्सुक हैं। आठ, सदैव राम की आज्ञा का पालन करो, राम सीता और लक्ष्मण को सदैव अपने हृदय में रखें। नौ, सौभाग्य है कि आप लंका में प्रवेश कर गए, अगर आप तीखी मिर्च पकड़ कर जला दें। दस, भीम रूप धारण करो, तुम राक्षसों के संहारक हो, आप श्री रामचंद्र के सभी कार्य करें। ग्यारह, संजीवन अनि आपने निशानी बचा ली, हो रघुबीर सुखी मन। 12, रघुनाथ ने तुम्हें गले लगा लिया, उन्होंने कहा कि आप भाई भरत के समान हैं। 13, सहस्त्रबदन आज भी प्रसिद्ध है, श्रीपति ने इस भेंट को ग्रहण कर लिया। 14, सनकादि ब्रह्मादि जातक देवगण, नारद सारद आदि देव ऋषि। 15, यम और कुबेर मूल दीपाल हैं, त्रिभुवन में जितने कवि और शायर हैं। 16, आपने सुग्रीव का कल्याण किया है, जब वह राम से मिले और उन्हें राजगद्दी दे दी। 17, आपकी बात सभी ने मानी, लंकेश्वर भय से कांप रहा था। 18, 1000 योजन ऊपर सूर्य को देखना, मीठे फल बोली धेले घासी। 19, जय राम कहते हैं कि आप अनंत महासागर हैं, पार करके श्रीलंका में प्रवेश करें। 20, त्रिभुवन में जितने कठिन कार्य हैं, यदि आप इसे आसान बनाते हैं तो आप सभी रामगण में हैं। 21, आप सदैव भगवान राम के द्वार पर हैं, लेकिन बिना वारंट के कोई अंदर नहीं जा सकता। 22, शरण लेनु प्रभु मैं तुम्हारा नहीं हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं और मुझे किससे डर है। 23, आप अपनी ही महिमा को नमस्कार करें, तेरे अभिमान से कंपित त्रिभुवन देखो। 24, भूत प्रेत निकट नहीं आ सकते, जो कोई महावीर का नाम स्मरण कर लेता है। 25, रोग का नाश करें और समस्त कष्ट दूर करें, महावीर का नाम सदैव स्मरण किया जाता है। 26, संकट में हनुमान छुड़ाएंगे, उनके चरणों में वह अपना मन और आत्मा अर्पित कर देंगे। 27, आखिर रामचंद्र एक तपस्वी और राजा है, श्री राम के मूल को तुमने दंड दिया है। 28,
आपके चरणों में मन और आत्मा अर्पित करेंगे, वह इस जीवन में सदैव खुश रहेगा। 29. महान महिमा, हे वायु नंदन, चारों युग से जगमगा रहा है त्रिभुवन। 30. साधु साधु मोतीमान की रक्षा करो, प्रिय भगवान राम आप बहुत अच्छे हैं। 31. अष्ट सिद्धि नवनिधि जो भी विद्यमान है, आपकी कृपा से सभी सिद्ध हो गए हैं। 32. राम रामायण पास में है, आप सदैव श्री राम के सेवक रहे हैं। 33. भजन गाओगे तो राम मिलेंगे, उसका डक सदा के लिए छलनी हो जाएगा। 34. अंत में तुम्हें राम के चरण ही मिलेंगे, ये सब बातें भक्तों ने सुनी है। 35. सब कुछ छोड़ो और बस हनुमान को जीतो, सब सुख देंगे हनुमान। 36. सारे डक संकट कट जाएंगे, जो कोई हनुमान जी का स्मरण करता है। 37. जोए 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 हनुमान गोसाई, परंतु कृपा के अतिरिक्त कोई गति नहीं है। 38. जो कोई भी इसे 100 बार पढ़ता है, सारी अशांति दूर हो जाती है। 39. हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 40. तुलसीदास सदैव श्रीहरि के दास है, प्रभु सदैव मन के मंदिर में निवास करें।